तो जैसे कि यार आपने थंबनेल पर देखा कि यह वीडियो जो है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के जो पूरक परीक्षा होने वाला है उससे संबंधित है। जो जो स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या फिर दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम में पूरक आ गए हैं तो दोस्तों उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको वह डेट्स बताऊँगा जिसके द्वारा आप जो है ऑनलाइन फॉर्म डालोगे। और दोस्तों आप जो है ऑनलाइन फॉर्म डालने के साथ साथ दोस्तों जो है आपका एग्ज़ाम का सेंटर होने के साथ साथ दोस्तों आपका एग्ज़ाम कब होगा ये सब चीज़ आपको डिटेल से बताऊँगा। तो सिंपली यार पूरक परीक्षा के लिए आवेदन 28 तक दोस्तों हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के अंतर्गत जिले के कॉलेज पूरक परीक्षा में शामिल होने वाले ऑनलाइन आवेदन करने वाले जो है पूरक परीक्षा में शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन कराना अनिवार्य हो गया है, जिसके लिए दोस्तों मतलब अनिवार्य है बोल रहा है। और दोस्तों वार्षिक परीक्षा के लिए पूरक आए जिसमें से 28 अगस्त तक निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकेंगे, मतलब जो है अभी आपका पोर्टल खुल चुका है। पोर्टल खुलने के बाद यार आपको क्या करना है, आपको अपने जो है पोर्टल या फिर चॉइस सेंटर में जाकर कंप्यूटर पर जाकर आपको वहाँ पर आवेदन करना होगा, मतलब आपको परीक्षा फॉर्म भरना होगा दोस्तों। उसके लिए जो है शुल्क निर्धारित किया गया है देना होगा दोस्तों 29 और उन्हें जो है 29 तक उन्हें हाल में ही हार्ड कॉपी और अपने परीक्षा केंद्र में जमा करना होगा, ठीक है दोस्तों। कॉलेज प्रबंधक को 1 सितंबर तक दस्तावेजों को हार्ड कॉपी जमा करनी होगी, मतलब 29 तक उन्हें जो है किसी भी हाल में हर हाल में जो है आपको जो कॉपी है उनको जो है मतलब जो हार्ड कॉपी है, जैसे हार्ड कॉपी में आपका पुराना वाला जो मार्कशीट लगेगा और सप्लीमेंट दिया हो उसमें लगेगा, बट उसमें स्टार लगा रहेगा वो वाला आपका मार्कशीट लगेगा, फिर उसमें को आपको जो है आपके कॉलेज सेंटर में जाकर जमा करना होगा। उसके बाद वो कॉलेज वाले फिर से ऑनलाइन करेंगे यूनिवर्सिटी को कि अपने पास जो यार इतने स्टूडेंट आ गया है पूरक परीक्षा वाले, तो आप इनका जो है परीक्षा दिलाने के लिए उचित व्यवस्था कीजिए करके। तो दोस्तों अब बात करते हैं परीक्षा केंद्रों को छात्रों के दस्तावेज विधि पे जमा करने होंगे, मतलब 2 सितंबर तक आपको किसी भी हालत में आपको जमा करना होगा और साथ में आपके दस्तावेज को अच्छी तरीके से जानकारी करना होगा दोस्तों। निर्धारित तिथि के बाद दस्तावेज जमा करने पर परीक्षा केंद्र के हिसाब से 1,000 रुपये विलंब शुल्क लिया जाएगा। यह जो है आपके लिए माइनस पॉइंट होने वाला है कि आप यदि आप लेट होते हो तो आपको 1,000 रुपये विलंब शुल्क लिया जाएगा दोस्तों। दस्तावेज जमा करने 4 दिन समय दिया जाएगा। इस प्रकार यार आपके हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के पूरक परीक्षा के एग्जाम को लेकर जानकारी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। इसमें अच्छा लगा चैनल का जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको इन्फॉर्म दिया जा रहा है वो कैसा है आपके लिए अभी जिस पोजिशन में हो वो अच्छा है या फिर किस प्रकार से है वो सब डिपेंड करता है। इसके अकॉर्डिंग आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो, एजुकेशन से संबंधित चैनल है तो आप बेफिक्र होकर कर सकते हो, और नहीं करना चाहते तो कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये छत्तीसगढ़ चैनल है, छत्तीसगढ़ की जानकारी आपको मिलना चाहिए यदि आप सोचते हो तो आप कर सकते हो, अन्यथा कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए यार मिलते हैं अगले वीडियो पर।